प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं शिव शंकर तिवारी आज एक और विषय आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। आज दिन सोमवार तारीख 9 जनवरी सन 2023। आज की सुबह परमेश्वर ने जो बात मेरे मन में डाली है वो एक ऐसा विषय है जो सभी धर्मों में बहुत महत्व रखता है, और वो विषय है, वो टॉपिक है पाप, सिन। चाहे आप हिंदू धर्म लें, चाहे आप मुस्लिम धर्म लें, चाहे आप सिखिज़्म देखें, बुद्धिज़्म देखें, कोई भी धर्म आप अगर देखते हैं, साथ में क्रिश्चियनिटी, हम एक बात इन सभी धर्मों में समान रूप से देखते हैं कि पाप जो है एक मानव जाति की बहुत बड़ी एक समस्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसके लिए कि अपने आप को हम कैसे पाप रहित, पाप मुक्त रख सकते हैं। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा कोई भी इंसान इस पृथ्वी में नहीं है, सिर्फ एक ही था, वह है प्रभु यीशु मसीह। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई भी इंसान कभी हुआ है, ना ही कभी होगा, जिसने कभी पाप ना किया हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक ने पाप किया है, एवरी वन शॉर्ट फॉल ऑफ द ग्लोरी ऑफ द हेवनली फादर। और अगर कोई कहता है कि मैंने पाप नहीं किया है तो वो झूठ कहता है। तो पाप से बिल्कुल मुक्त हो जाना ये तो असंभव सी बात है। पाप तो हमसे होंगे, कुछ इंटेंशनली होंगे, कुछ अनइंटेंशनली होंगे, कुछ चाहते हुए होंगे, कुछ ना चाहते हुए भी होंगे, बिकॉज हम आज की इस फर्जाइल और इस तरीके से आप कह सकते हैं करप्ट और डार्कनेस से भरी हुई दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ जाने अनजाने भी हम बहुत सारी चीज़ें गलत कर देते हैं। और पाप के बाद जो एक दूसरा विषय शुरू होता है, पापों से शुद्धिकरण या पापों से मुक्ति, जिससे कि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें, हमारा उद्धार हो सके। बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी विधियां बताई जाती हैं, बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं। कुछ धर्म कहते हैं कि अगर तुम इस नदी में स्नान कर लोगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। कुछ कहते हैं कि अगर तुम ये यात्रा कर लोगे, हज की यात्रा या कोई चार धाम, तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। कोई कहता है कि अगर बहुत दान पुण्य किए जाएं, अच्छे सत्कर्म किए जाएं, गरीबों को खाना दिया जाए, निर्वस्त्रों को कपड़े दिए जाएं, बीमारों की सुधि ली जाए, तो इन सत्कर्मों के द्वारा भी हम अपने पापों को बैलेंस कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार जो लोग पाप करते हैं और जो वो पाप की वो जो गिल्ट है, जो आत्मग्लानि जब उन्हें महसूस होती है या जब उन्हें डर लगता है कि मैं शायद नर्क जाऊंगा या मैं कैसे इस चीज़ को बैलेंस करूं, कैसे इस फीलिंग से मैं बाहर आऊं, तो वो बहुत सारे चैरिटी वर्क करते हैं। उससे उनको लगता है कि शायद वो बैलेंस हो गया है। लेकिन आप एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लें कि अगर सिन हुआ है तो ये बात 100% सर्टेन है कि उसका पनिशमेंट होगा। और अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो 100% सर्टेनली उसका रिवॉर्ड भी होगा। और परमेश्वर जो है वो एक राइचियस गॉड है, वो एक गॉड ऑफ जस्टिस है। वो कभी किसी का पक्षपात नहीं कर सकता, उसकी बात हाँ की हाँ और ना की ना ही रहती है। तो अगर पाप हुआ है तो उसका दंड होगा ही होगा, उससे आप स्केप नहीं कर सकते, बच नहीं सकते हैं। समवन कैनॉट रन फ्रॉम द पनिशमेंट, कैनॉट रन फ्रॉम द पनिशमेंट एंड पेनल्टीज। और ये बात परमेश्वर पिता को बहुत अच्छे से मालूम थी कि हम इतना पाप में डूब चुके हैं और इसका जो रिपरकशन है, इसका जो अंतफल है, वो बहुत कष्टप्रद है। और वो कतई नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों को उस नरक की आग से जाना पड़े,
इनको इनके पापों का दंड मिले। तो परमेश्वर ने अपने फोर नॉलेज में पहले से ही हमारे लिए, इस जगत की उत्पत्ति से पहले ही लिखा है, हमारे लिए एक मेमना ठहरा रखा था। एंड दैट इज़ द ईजीएस्ट वे, इससे ज़्यादा आसान कोई तरीका नहीं है पूरे विश्व में, किसी भी धर्म में, कि मनुष्य अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सके और उद्धार प्राप्त कर सके। सबसे सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट तरीका है। जैसा कि हम जानते हैं कि उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा, इसीलिए भेजा कि वो क्रूस पर हमारे उन पापों की जो सजा है वो सह ले, जो दंड हमें मिलना चाहिए था वो अपने ऊपर ले ले, जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी, जो सफरिंग हमें होनी चाहिए थी, जो पीड़ाएं हमें होनी चाहिए थी इन रिजल्ट ऑफ ऑल दो सिंस, एज आउटकम ऑफ सिन इन पनिशमेंट, वो अपने ऊपर वो ले ले और फाइनली अपनी जान तक को हमारे लिए वो बलिदान कर दे। वो एज ए रैंसम, एज ए छुड़ौती के रूप में हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। उसने अपने आप को हमारे पापों के प्राश्चित के लिए, पश्चाताप के लिए अपने आप को बलि कर दिया। हमारे पाप इतने जघन्य थे, इतने बड़े थे कि वो बकरों के लहू से, बैलों के लहू से, पक्षियों के लहू से धुलने वाले नहीं थे। इसलिए उस परम प्रधान परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को भेजा कि उसके लहू के द्वारा हमारे पाप धुल जाएं। वचन कहता है कि अगर तुम्हारे पाप रक्त के समान लाल ही क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर हिम से भी श्वेत कर दूंगा। तो आज अगर हमें इस पाप की गिल्ट से हमें बाहर निकलना है, सो देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज द ईजीएस्ट वन, दैट यू जस्ट हैव टू बिलीव ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, दैट ही इज द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। वही एकमात्र परमेश्वर का पुत्र है, इकलौता पुत्र, जिसने क्रूस पर हमारे पापों की क्षमा के लिए अपनी जान दी। हम उसे अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, उसके क्रूस के नीचे आकर हम रिपेंट करें, कन्फेस करें कि हाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं, हम उससे माफ़ी मांगें। वचन में लिखा है कि यदि कोई अपने पापों को मान लेगा, कन्फेस करेगा, तो उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। और यीशु का लहू इस पूरी मानव जाति के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, पूरे जगत के लिए बहाया गया है, किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं। तो आइए आज हम सब उस बहते झरने के नीचे, उसके क्रूस के नीचे आए और अपने पापों को धोकर हम मुक्त हो सके, ताकि हम सबको भी वो स्वर्ग, वो मोक्ष, वो सालवेशन मिल सके। हमारा जो रिश्ता अदन की वाटिका में टूटा था पहले आदम के द्वारा, वो दूसरे आदम के द्वारा रिस्टोर किया गया अपने लहू को बहाकर। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करें। आप इन वचनों को सुने ही नहीं, लेकिन इन्हें शेयर भी करें, क्योंकि आपका शेयर किया गया एक मैसेज किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, उसे डार्कनेस से लाइट में ला सकता है, उसके लिए उद्धार का एक कारण बन सकता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड कीप मी इन योर प्रेयर्स, स्टे ब्लेस्ड।